हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स सो लेट्स रीड इट आउट हैव यू ऑब्जर्व काउज बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स जूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग क्या आपने कभी नोटिस किया है कि काउज़ बफेलोज़ और अदर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली च्यू करते रहते हैं जबकि जब उस टाइम भी जब वो कुछ नहीं खा रहे होते हैं एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास इन स्टोर इट एन अ पार्ट ऑफ अ स्टमक कॉल्ड ह्यूमन ये क्यों होता है बिकॉज वो ग्रास को सॉलो करते हैं और बहुत जल्दी से अंदर ले लेते हैं और अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर करते हैं जिसको ह्यूमन बोलते हैं ह्यूम द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट और इस पार्ट में र्यूमन में फूड जो है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है और इसको कट बोलते हैं बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्ब और अब मतलब थोड़ी देर बाद ये जो कट है ये माउथ में आ जाता है स्मॉल लम्स के फॉर्म में एंड एनिमल च्यूज इट और जो एनिमल है वो उसे च्यू करता रहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ह्यूमिनन्स सो इस प्रोसेस को हम लोग ह्यूमिनेशन बोलते हैं और इन एनिमल्स को हम लोग ह्यूमिनस बोलते हैं द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोर्स जो ग्रास होता है उसमें सेल्यूलोस बहुत ज़्यादा होता है अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज़ क्या होता है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है इन र्यूमिनस लाइक कैटल डियर एल्सेट्रा र्यूमिनस जैसे कि कैटल हुआ डियर हुआ या बाकी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमिन हेल्थ इन डाइजेशन ऑफ सेलुलस सो जो र्यूमिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है सेलूलोज के डाइजेशन में मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूम्स के नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस बहुत सारे एनिमल्स और इंक्लूडिंग हम ह्यूम्स को लेकर भी हम लोग सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते एनिमल्स लाइक हॉर्सेज रैबिट्स एट्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल सेकम एनिमल्स जैसे कि हॉर्स हुआ रैबिट हुआ और भी बहुत सारे उनमें एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा उसको हम लोग कायकम बोलते हैं ठीक है थीके? बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन और ये कहाँ होता है ओसोफेगस और स्मॉल एंटेस्टाइन के बीच में द सेल्यूलोर्स ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया जो सेल्यूलोर्स होता है खाने में वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है कुछ बैक्टीरिया के एक्शन से विच आर नॉट प्रजेंट इन ह्यूमन्स जो बैक्टीरिया ह्यूम्स में नहीं प्रजेंट होते हैं सो फ यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच प्रजर्स द डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर तक हमने पढ़ा है कि एनिमल्स के कौन सा डाइजेस्टिव प्रोसेस प्रोसेस करते हैं कैसा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है बट देर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम बट ऐसे बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें माउथ भी नहीं होता है और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि कैसे वो फूड को एक्वायर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड एंड टेक बाकी सेक्शंस में आप अभी पढ़ेंगे कि कितने सारे वेरियस वेज होते हैं फूड को इनटेक करने के लिए सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो स्टेट ट्यून टू आर यूट्यूब चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड इफ एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन राइट डाट इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू सो मच